वो देखिए भ्राताश्री, कोई ब्राह्मण इसी ओर चले आ रहे हैं। यहां अवश्य आसपास कोई आश्रम होगा। एक आश्रम भी दिखाई दे रहा है भ्राताश्री। भ्राताश्री, मेरा मन कह रहा है कि हमें इन ब्राह्मण के पास भविष्य के विषय में अवश्य कोई जानकारी प्राप्त होगी। इन दोनों को दूर से ही देखकर मेरे मन में हलचल क्यों मच रही है? क्यों ये लग रहा है जैसे मैं इन्हें युगों से जानता हूं? कौन है ये? मेरा हृदय क्यों इस प्रकार धड़क रहा है जैसे छाती चीर कर बाहर आ जाएगा? वो दिन आ ही गया देवी, जिसके लिए मैंने धरती पर अवतार लिया है। मुझे भी बताइए देवाधिदेव, आप किस दिन की बात कर रही हैं? देवी, पवन सुत हनुमान धरती पर मेरे अवतार हैं। मैं उनके रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूं कि मुझे राम के रूप में अपने आराध्य श्री विष्णु की सेवा करूं। मैंने उन्हें वचन दिया था कि जब वो राम अवतार लेंगे, मैं सेवक बनकर जन्म लूंगा, उनकी सेवा करूंगा। आपके मुख पर अपार आनंद की छाया देखते ही मैं समझ गई थी कि अवश्य ही आज कोई अनोखा दिन है। हाँ देवी, आज मेरे आनंद की सीमा नहीं। आज के दिन हनुमान के रूप में मेरे अवतार भक्ति और सेवा का नया इतिहास रचेंगे। संसार के लिए सेवा और भक्ति का श्रोताधार बन जाएंगे। इन ब्राह्मण देवता को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये मेरे पूर्व परिचित हैं, जैसे मैं इन्हें किसी रूप में देख चुका हूं। हे आचार्य, क्या मैं आपका परिचय पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूं? मैं एक वृद्ध वेद पाठी ब्राह्मण हूं। वहां उस पर्वत पर मेरा निवास है, परंतु आप लोग कौन हैं? आप अपने परिचय का सौभाग्य नहीं देंगे मुझे? मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र रघुवंशी राम हूं। जय श्री राम, राम प्रभु राम। जय श्री राम, राम राम। जय श्री राम, राम राम। मोरे राम, राम राम। हे गुरुदेव भगवान सूर्य, मुझे बताइए जीवन का महानतम उद्देश्य क्या है? जीवन का परम आनंद क्या है? जीवन की महानतम सिद्धि क्या है? सेवा मेरे प्रिय शिष्य, सेवा। मैंने यथाशक्ति आपकी सेवा ही की है। मेरी सेवा प्रारंभ थी, अंत नहीं। मेरी सेवा तो उस सेवा की शिक्षा थी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। अपने इस जन्म में तुम्हें तन से, मन से, आत्मा से राम की सेवा करनी है। सेवा का नया इतिहास रचना है। मुझे उस सेवा का अवसर कब मिलेगा गुरुदेव? मैं उनके पास जाऊं? नहीं शिष्य, तुम्हें उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा ने भाग्य की ऐसी रेखाएं रच दी हैं कि राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे तो एक तपस्वी के वेश में होंगे। ऐसे तपस्वी के वेश में जिनके कंधे पर धनुष और बाण शोभायमान होंगे, वे तुम्हें किष्किंधा पर्वत के पास मिलेंगे। विष्णु के इसी अवतार राम की भक्ति और सेवा तुम्हारे जीवन का महानतम उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का परम आनंद और तुम्हारे जीवन की महानतम सिद्धि होगी। आयुष्मान हो। किस सोच में पड़ गया आचार्य? प्रभु राम। जय श्री राम, जय
जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक युग से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, एक युग से नेत्रों को आपके दर्शन की प्यास है, एक युग से ही आत्मा आपके लिए व्याकुल थी, एक युग से हर श्वास आपका नाम जपकर तन में समाता था और आप ही का नाम जपकर शेष बाहर आता था। आपकी सेवा ही मेरे जीवन का कारण है और आपकी भक्ति मेरे जीवन का उद्देश्य। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको आगंतुक समझकर ब्राह्मण के वेश में आपको पहचानने के लिए आया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान को क्षमा कर दीजिए। हनुमान प्रभु, हनुमान प्रभु, हनुमान हनुमान, तुमने वही किया हनुमान जो एक बुद्धिमान प्राणी को करना चाहिए। किसी का पूर्ण परिचय जाने बिना उस पर विश्वास करना या उस व्यक्ति के अधिक निकट जाना यह बुद्धिमत्ता नहीं है, यह तो एक अच्छी नीति है और तुमने नीतिवान होने का परिचय दिया है हनुमान। किंतु हनुमान, तुम्हें यहाँ इस स्थान पर देखकर मुझे अचंभा हो रहा है। मेरे महाराज सुग्रीव को उसके दुष्ट भ्राता बाली ने देश से निकाल दिया, उन्हें यहाँ शरण लेने पर विवश होना पड़ा, परंतु मैंने अपने राजा का साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ यहाँ चला आया। हनुमान, जो कष्ट के समय साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। तुम्हारे इस वर्तन को देखकर, तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपार आनंद हुआ है। मुझे तुम पर गर्व है हनुमान, गर्व है। कहाँ है तुम्हारे राजा सुग्रीव? वह इसी पर्वत पर निवास करते हैं, आपके दर्शन प्राप्त करके उनका जीवन धन्य हो जाएगा। अनुज जी, भ्राताश्री, हमें महाराज सुग्रीव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। चलो पवनसुत, हम दोनों को ले चलो। प्रभु, पर्वत ऊंचा है, आप दोनों को मेरे कंधों पर विराजमान होकर वहां जाना पड़ेगा। आइए आइए भ्राताश्री। और प्रभु की दूरी
भई बरसों की पूरी, राम लखन कांधे बैठाए, हनुमत किश किंधाले आए, हनुमत किश किंधाले आए। जामवन, हाँ? बहुत देर हो गई पवन सुत को गए, अभी तक नहीं लौटे, जाने क्या बात है। जय श्री राम। लीजिए, आ गए पवन सुत और उनके कंधों पर दो तपस्वी भी हैं, जिनके विषय में वो जानकारी लेने गए थे। यदि पवन सुत उन्हें अपने साथ ला रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि वे हमारे शत्रु नहीं हैं। जय श्री राम। आइए आइए महाराज सुग्रीव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। वानरों, जी भर कर देख लो इस सुंदर मुख को, इस मुख की आभा को। यही मुख सृष्टि की रचना का कारण है, इसी आभा के दर्शन जीवन का उद्देश्य है। जी भर के निहार लो इसे, यही वो रूप है जो सिमटे तो एक कण में समा जाए और बढ़े तो आकाश भी छोटा पड़ जाए। यही मेरे आराध्य हैं, जगत तारक हैं, पतित पावन हैं, दीन दुखी के स्वामी हैं, नाथ हैं, यही रघुवंशी श्री राम है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए विराजिए, यहाँ विराजिए, विराजिए। धन्यवाद महाराज सुग्रीव। महाराज का शब्द मेरे कानों सुइया चुभोता है श्री राम, मेरे भ्राता बाली ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। हे सुग्रीव, जब एक भ्राता अपने ही भ्राता के अधिकार छीन लेता है तो वो अभागा होता है, क्योंकि वो स्वयं नहीं जानता कि उससे भी बहुत कुछ छिनता चला जा रहा है। उसके मन से प्रेम छिन जाता है, मस्तिष्क से शालीनता निकल जाती है और जीवन से सुख निकल जाता है। और जिस व्यक्ति के पास प्रेम, शालीनता एवं सुख न हो, ऐसा व्यक्ति आजीवन एक अनदेखी अग्नि में जलता रहता है। जय श्री राम। सुग्रीव, इस प्रकार जब सूर्य की किरणें धरती छोड़ देती हैं तो धरती पर अंधकार का राज्य जम जाता है, उसी प्रकार जब मन से भ्रातृ प्रेम का भाव निकल जाता है तो मन पर अहंकार का राज्य जम जाता है, और अहंकार बुद्धि का वैरी है। वैर्य एवं द्वेष शांति के हत्यारे हैं। जय श्री राम। हे राम, मेरे महाराज को यदि आप जैसे महापुरुष की मित्रता मिल जाए तो उन्हें वो सब मिल सकता है जो वो खो चुके हैं। पवन पुत्र, मित्र तो स्वयं मैं भी ढूंढ रहा हूं। आप भी मित्र ढूंढ रहे हैं? हाँ पवन पुत्र, जिस प्रकार एक प्यासे को जल की, खेत को वर्षा की, धरती को प्रकाश की, पुष्प को सूर्य की प्रथम किरण की एवं शरीर को आत्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन को मित्र की आवश्यकता होती है। कष्ट के समय केवल मित्र ही तो काम आता है। पर आपको क्या कष्ट है श्रीराम? सुग्रीव, किसी दुष्ट ने मेरे जीवन से सुख, मेरे नेत्रों से स्वप्न एवं मेरी आत्मा से आनंद हर लिया है,
कोई असुर मेरी जीवन संगिनी, मेरी प्राणदायिनी, मेरी अर्धांगिनी जानकी को उस समय हर ले गया जब मैं और मेरा अनुज लक्ष्मण अपनी उस कुटिया से कहीं दूर चले गए थे जहां हमने अपना बसेरा किया था। यदि आप में से किसी ने किसी दुष्ट को एक असहाय कोमल एवं विलाप करती हुई नारी को साथ ले जाते हुए देखा हो तो मुझे बताने की कृपा करें। तो मेरी सीता को कहां ले गया? हाँ, मुझे कुछ कुछ स्मरण है। मैंने आकाश मार्ग पर पुष्पक विमान जाते देखा था, उसमें एक ऋषि कन्या विलाप कर रही थी और अपने आभूषण फेंकती जा रही थी। आभूषण? कहाँ है वो आभूषण? क्या उन्हें किसी ने संभाल के रखा है? हाँ श्रीराम, मैंने वो आभूषण चुने थे और उन्हें बड़ी सुरक्षा से संभाल के रख दिया था, क्योंकि न जाने क्यों मुझे विश्वास हो गया था कि वो किसी प्रतिव्रता के दिव्य आभूषण है। पवन पुत्र, मुझे वो आभूषण दिखाओ। पवन पुत्र, अभी लाया। ये कान का बाला, ये तो वही है जो मेरी सीता का बनकर दमकता था। ये कंठमाल भी तो वही है पवन पुत्र, जो दिन रात मेरी जानकी के गले से लगी रहती थी। और ये हाथ की माला, ये वही है पवन पुत्र, ये वही है जो मेरी सीता की कोमल कलाई को थामे रहती थी। अनुज, 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 देखो तुम तो इन आभूषणों को पहचानते हो, ये तो तुम्हारी भाभी के हैं। नहीं भ्राताश्री, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी दृष्टि सदैव मेरी भाभी श्री के चरणों पर ही स्थिर रही है। मैंने अपनी भाभी श्री के चरणों के ऊपर आज तक नहीं देखा भ्राताश्री, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूं कि उनके कान के बाले कैसे हैं, उनके गले की कंठमाला कैसी है, उनकी कलाइयों की माला कैसी है। हां भ्राताश्री, इन बिच्छुओं की जोड़ी के बारे में बता सकता हूं जो सदैव मेरी भाभी श्री के चरणों की शोभा बढ़ाया करती थी। मेरी भाभी श्री के चरण और उनके आभूषण मेरे मन, मेरी आत्मा पर अंकित है। राधाश्री, ये बिच्छुओं की जोड़ी मेरी भाभी श्री की है। मित्र सुग्रीव, तुम धन्य हो, धन्य हो सुग्रीव, इन आभूषणों की रक्षा करके, मुझे इनके दर्शन करा के तुमने अपनी मित्रता का प्रमाण दिया है। जिस प्रकार छाया को देखकर यह आभास होता है कि काया यहीं कहीं पास में है, उसी प्रकार इन आभूषणों को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि मेरी जानकी यहीं कहीं पास है, उसे इसी मार्ग से कहीं ले जाया गया है। आप चिंता न करें, मेरे वानर सैनिक चारों दिशाओं में देवी सीता को खोजेंगे और पता लगा लेंगे कि वे कैसी हैं और कहां हैं। सुग्रीव, तुमने अपनी मित्रता का प्रमाण दे दिया, अब राम की मित्रता स्वीकार करो। आज से तुम्हारा मित्र मेरा मित्र और तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस संसार में मेरा भ्राता बाली ही मेरा शत्रु है। क्या कहा तुमने? दो मानव आए हैं और सुग्रीव से मिले हैं। हाँ ये सत्य है महाराज, और ये भी सूचना मिली है कि उन्होंने सुग्रीव की मित्रता स्वीकार कर ली है। वे दो तुच्छ मानव इस बाली का क्या बिगाड़ेंगे?
जिससे लंकेश रावण जैसा महाबली भी कांपता है। पीस कर रख दूंगा। अभी चलकर सुग्रीव और उसके मित्रों को दंड देता हूं, जिसे देखकर सारा संसार भय से कांप उठेगा। रुक जाइए स्वामी। रुक जाइए स्वामी, आप वहां जाने की भूल कदापि न कीजिएगा। मत रोको मुझे, इससे पहले सुग्रीव और उसके नए मित्र मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचे, मैं उन्हें समाप्त कर देना चाहता हूँ। पर आप ये भूल रहे स्वामी कि आपको ऋषि ने शाप दिया था, यदि आपने उस पर्वत पर पग भी रखा तो आपके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। मैं आपको अपने सुहाग की दुहाई देती हूँ स्वामी, आप उस पर्वत पर ना जाइएगा। नहीं जाऊंगा। तुम्हारा धन्यवाद देवी, जो तुमने ऋषि के शाप का ध्यान दिलाया। सैनिकों, आज्ञा महाराज। जाओ ऋषिमुख पर्वत पर दृष्टि रखो, जैसे ही वो सुग्रीव उस पर्वत पर से पग नीचे रखे मुझे तुरंत सूचित करो, मैं उस दुष्ट सुग्रीव के तन के 100 टुकड़े कर दूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। मित्र सुग्रीव, मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा मित्र अब से मेरा मित्र होगा एवं तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु, किंतु शत्रु शब्द सुनते ही तुम्हारे मुख से अपने ही भ्राता बाली का नाम आया था सुग्रीव। हाँ श्री राम, दुर्भाग्यवश मेरा भ्राता ही मेरा शत्रु बन बैठा है। क्यों सुग्रीव, बाली का मन भ्रष्ट क्यों हुआ, मुझे बताओ मित्र। आपको नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा, इस संसार में आप ही तो मेरे परम मित्र हैं। मेरी कथा व्यथा से भरी है श्रीराम। भ्राता बाली को यह वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करने उसके समक्ष आएगा उसका आधा बल अपने आप बाली में समावेश कर जाएगा। कई महान योद्धा भ्राता बाली से लड़ने आए और अपना आधा बल गंवाकर उनके हाथों मारे गए। कदाचित मायावी नामक दानव को इसका ज्ञान नहीं था। ओ बाली, मैंने सुना है बड़ा घमंड है तुझे अपने बल पर। मैंने सुना है तूने कई छोटे मोटे योद्धाओं को पराजित करके स्वयं को अजय और महावीर मानने लगा है। आज मैं तुझे बल और शक्ति की परिभाषा बताने आया हूं। देख दुष्ट, आज माया भी तेरी क्या दशा करता है। बाहर निकल, बाहर निकल बाली। क्यों भयभीत हो गया क्या? आजा बाहर। कौन है ये दुष्ट जिसके कारण मुझे कच्ची निद्रा से उठना पड़ा? कोई दुष्ट असुर प्रतीत होता है महाराज। मैं जाकर उसे सदा के लिए शांत करता हूँ, अन्यथा मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। नहीं महाराज, आप वहां मत जाइए महाराज, मायावी अत्यंत बलशाली असुर है। देवी, आप मेरी शक्ति की तुलना असुरों की शक्ति से मत कीजिए। आप भूल गए कि रावण जैसे महाबली की मैंने क्या दशा की थी। 3 माह तक कांख में दबाए रखा था। ये मायावी मेरे समक्ष क्या है? विधना का क्या खेल है, जहां खिला है फूल उसी डाल पे उग रहा पीड़ादायक शूल। बाली और सुग्रीव दो एक माता के लाल, भाई भाई के लाल।
शिव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा।